सालों के बाद हम सब बहुत खुश, पूरी मुंबई खुश, पूरा महाराष्ट्र खुश, पद्मश्री से नवाजा जाएगा आपको बहुत जल्द। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? उसके बाद मैं अभी आया हूँ, मैं तो अपनी पापा से भी नहीं मिला अभी तक। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत लंबे सफ़र का एक बड़ा अच्छा पड़ाव है। हालांकि मैंने उस दिशा में देखना छोड़ दिया था वैसे, लेकिन मैंने उस दिशा में देखना छोड़ दिया था। भारत माता की जय। थैंक यू। बस मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पिताजी वगैरह बहुत खुश हैं, मैं उनसे भी जाके मिलूंगा। तो बस मुंबई शहर में हर जगह होर्डिंग लगी है, हर जगह कहा जो मोहब्बत जाहिर करने का तरीका है, जो भी तरीका है जाहिर करा जा रहा है। सुनो, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ देख नहीं पाया, मुझे फोटोग्राफ सब भेज रहे थे मुझे, सो मैं बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ, मेरी आँखें झुकी हुई हैं। पर मैं क्या कहूँ कि अभी हमारे साथ में इतनी बड़ी इतना बड़ा ट्रेजेडी हुई है कि मेरी माँ दूसरी बार गई है दुनिया से, दादा जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो बड़ी मिक्स फीलिंग भी है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है पद्मश्री के लिए, लेकिन उसके बाद में तो मेरी माँ नहीं है अभी यहाँ पे, तो एक बड़ा अजीब सी फीलिंग है। बट या फिर भी धन्यवाद देता हूँ। सुनो जी, यहाँ सर अपनी सरजमी पे कर्म भूमि पे जन्म, एक मिनट रुक जाओ यार, कर्म भूमि पे जन्म रखना, कदम रखना और पद्मश्री के बाद वो कैसी फीलिंग है, और ये जो उत्साह लोगों के बीच में, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जिंदगी में मैं कहीं और रह ही नहीं सकता। मुंबई ने जो मुझे जगह दी है, जो मुझे खुशी दी है, जो मुझे अपनी गोद में बिठाया, मुंबई मेरी मेरा मदरलैंड भी है, क्योंकि मेरी माँ यहीं की पैदा हुई थी, मतलब थी, और मेरी कर्म भूमि भी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भारत माता की जय। मैम सर, प्लीज मैम, चलो Thank you.
बैड फॉर